नमस्ते, मैं सागर के गोस्वामी स्वागत करती हूँ सागर के गोस्वामी चैनल पे। आज हम जा रहे हैं IIT गुवाहाटी पे, क्योंकि एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसमें VC सर लोगों को यूनिवर्सिटी का और उसके साथ ही स्कॉलर स्टूडेंट्स फैकल्टीज एक्सेट्रा को बुलाया है। सिर्फ ऑडियंस बन के जा रहे हैं आज के प्रोग्राम पे। एक्चुअली ये प्रोग्राम है विकसित भारत 2047, अर्थात भारत का क्या क्या डेवलप करना अभी भी बाकी है उसके बारे में कुछ साजिश करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है दिल्ली से। और इसमें PM से लेकर, गवर्नर से लेकर, शिक्षा मंत्री से लेकर सब ने स्पीच रखा है। उसके साथ ही हमें साजिश करने के लिए बोला कि क्या क्या उन्नति करना चाहिए देश के लिए। आसाम के सभी यूनिवर्सिटी से VC सर लोग और फैकल्टी स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स आया हुआ है। अभी हमने आपके सामने फिल्म दिखाई जिसमें हमने शिक्षा के विभिन्न आयाम को छूने का प्रयास किया और हम जानते हैं कि और हम पहुंच गए IIT गुवाहाटी का ऑडिटोरियम पे जिसमें प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लेकिन सम्मानीय PM का अभी तक स्पीच शुरू नहीं हुआ है, लेकिन देखिए आगे देश की आने वाले विकास के लिए, आने वाले रोड मैप बनाने के लिए एक नई दृष्टिकोण दिया है, विकसित भारत बनाने के लिए आह्वान किया है। हमारी देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत के साथ एक नए भारत के निर्माण की उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने करोड़ों लोगों के दिल में महत्वाकांक्षा और आशा की दीपक जलाया है। जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है, हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप ले। और सम्मानीय PM मोदी का स्पीच अभी तक हो गया है और उसके बाद जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो है वंती प्रज्वलन, अर्थात लाइटिंग लैंप। और ये लाइटिंग लैंप कर रहे हैं हमारे आसाम के सम्मानीय शिक्षा मंत्री, उसके साथ ही राज्यपाल, सम्मानीय राज्यपाल, और उसके साथ हमारे जो IIT का मेंबर्स है, रिस्पेक्टेड मेंबर्स है उन लोगों ने। और उसके बाद एक के बाद एक जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स था, बुलाए हुए मेहमान था, उन लोगों ने स्पीच रखा। बहुत बहुत जानकारी देने वाले बहुत विद्वान लोग वहाँ पे मौजूद थे, यूनिवर्सिटी का, उसके बाद शिक्षा से लेकर साहित्य तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक के ज्ञान जिसके है वो लोग मौजूद थे। मम नाम प्रहलाद जोशी, कुमार भास्कर वर्मा, संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय से कुलपति। सर, माय क्वेश्चन इज, मैं देख रहा हूँ कि हमको भारत को विश्वगुरु बनाना, पहले विश्वगुरु था, अभी आगे विश्वगुरु बनाना है। फिर मेरा अनुभव में आया है कि जो गुरु है, जो बच्चों को अच्छे नागरिक बनाते हैं, उनमें कमिटमेंट बहुत कम दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? कमिटमेंट फ्रॉम यूथ? नो, फ्रॉम टीचर्स। और फ्रॉम टीचर्स, ओके। ये बहुत मुझे महसूस हो रहा है, 25 साल में मेरा अनुभव है। दिस इज अ हर्क्यूलियन हिमालयन क्वेश्चन दैट इज टू बी एड्रेस्ड। होप आई विल, वी हैव सम आंसर्स। या, और ये थे हमारे VC सर का क्वेश्चन। मैं सोचता हूं उनकी भावनाओं को भी हमने सुना और समझा है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी कार्यालय और नीति आयोग के परामर्श पर आयोजित इस परिचर्चा में आप सभी का। और ऐसे ही सम्मानीय राज्यपाल का जो स्पीच था उसके बाद ही खत्म हो गया ये प्रोग्राम। उसके बाद फोटो सेशन तो हमारा रहता ही है, तो लांस करके लग गए फोटो खींचने में। और फोटो खींचने के बाद थोड़ा मौज मस्ती करके हम रवाना हुआ कार की ओर और IIT गुवाहाटी को दिया बाय बाय। एक्चुअली ये प्रोग्राम था केंद्रीय सरकार का, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर जो है वो हिंदी में देने से सभी को थोड़ा मदद मिल जाएंगे समझने में, इसलिए वॉइस ओवर हिंदी में दिया। लेकिन उसके बाद हम ले आएंगे अहमिया वॉइस ओवर परवर्ती वीडियो। गुड के डिटेल के बाय बाय।